बारामती से एनसीपी शरद बुद्ध की प्रत्याशी सुप्रिया सुले के चुनाव प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत खाबिया ने आरोप लगाया था कि बारामती लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम गोदाम का सीसीटीवी रविवार से बंद था। दरअसल बिजली सप्लाई के काम के लिए इलेक्ट्रीशियन ने कुछ देर के लिए डिस्प्ले का तार हटा दिया था, इसलिए डिस्प्ले बंद था, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग जारी रही थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली सप्लाई के लिए डिस्प्ले हटाया गया था, इसलिए डिस्प्ले बंद था क्योंकि कोई टेक्निकल खामी आ गई थी। एनसीपी शरद गुट का ये एक बड़ा आरोप है, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया। बारामती लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम गोदाम का सीसीटीवी रविवार से बंद था। बिजली सप्लाई के काम के लिए इलेक्ट्रीशियन ने कुछ देर के लिए डिस्प्ले का तार हटा दिया था, इसीलिए डिस्प्ले बंद था, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग जारी थी। तो स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जारी थी, ये जानकारी सामने आ रही है। स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने का ये बड़ा आरोप लगाया गया था, सुप्रिया सुले के प्रतिनिधि ने ये आरोप लगाया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, बारामती से एनसीपी शरद गुट की प्रत्याशी सुप्रिया सुले के चुनाव प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत खाबिया ने यह आरोप लगाया था कि बारामती लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम गोदाम का सीसीटीवी रविवार से बंद था, और इसको लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि बिजली सप्लाई के काम के लिए इलेक्ट्रीशियन ने कुछ देर के लिए डिस्प्ले के तार को हटा दिया था, जिस वजह से डिस्प्ले बंद था लेकिन रिकॉर्डिंग जारी थी। Zee News.